नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है। हमारे साथ चर्चा में शामिल है बेटिया देश की सार फाउंडेशन के अध्यक्ष जितेंद्र वशिष्ठ धीरानिया। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप कब से कार्यरत हैं? कन्या भ्रूण हत्या समाज में एक कोड है और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे स्वर्गीय दादा समाज सेवी पंडित शुभराम वशिष्ठ जी से मिली और हरियाणा सरकार में वरिष्ठ ऑफिसर हमारी आदरणीय श्रीमती पंकज चौधरी जी से और मेरी धर्म बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से और हमारे भाई श्याम सुंदर शर्मा जी जो आजकल गुड़गांव रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं, हमने उनकी प्रेरणा से कन्या भ्रूण हत्या के बारे में काम करना 98 से शुरू किया था जी। और इसके लिए हम 98 से इस अब तक हम इन मुद्दों पर कार्यरत हैं। सर, बेटियां देश की शान फाउंडेशन के उद्देश्य क्या है? बेटियां देश की शान फाउंडेशन के मुख्य रूप से 6 उद्देश्य हैं ताकि समाज को सही दिशा देने का काम किया जा सके। सबसे पहला है परिवार परामर्श। परिवार परामर्श समय के हालात के अनुसार आज परिवार परामर्श जरूरी हो गया है क्योंकि हमारा जो समाज है इसके अंदर इतनी तनावपूर्ण ज़िंदगी हो गई है, भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है, कहीं ना कहीं परिवारों के अंदर तनाव है। कोई इंसान हमारे को, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक हमारे को आकर के अप्लीकेशन देता है लिखित में हमारी संस्था के नाम, तो हमारे जो साथी हैं बेटियां देश की शान फाउंडेशन के साथी मिल करके उस परिवार की काउंसलिंग करते हैं ताकि परिवार में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। और अगर नहीं हो पाता है काउंसलिंग के माध्यम से, हम उसका निपटारा नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको कानून की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। दूसरा है हमारा मुद्दा कैरियर गाइडेंस का, जो नौजवानों के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। हम नौजवानों के लिए समय समय पर कैरियर गाइडेंस की भी व्यवस्था करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनको एक दिशा मिल सके। फिर है हमारी अगला जो थर्ड पॉइंट है जो हमारा, उसमें हमारा है प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित करने का जो काम है हम वो करते हैं। समय समय पर हम हमारी जो किसी भी क्षेत्र की में जो है बेटियां देश और प्रदेश का नाम अपनी प्रतिभा के बलबूते करने का काम करती हैं, उनको हम सम्मानित करने का काम करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, जो परिवार, जिस परिवार के अंदर सिर्फ बेटियां हैं उस परिवार के, मतलब उन बेटियों को, उस परिवार के मुखिया को, मतलब लड़कियों की माता को, पति पत्नी को सम्मानित करने का हम काम करते हैं ताकि जो है वो लड़कों, जिस घर में लड़के हैं उनसे हीन अपने आप को बेटियों वाला घर जो है वो पति पत्नी ना समझें। इसलिए हम बेटी पे नसबंदी करवाने वाले माता पिता का भी सम्मान हम करने का काम करते हैं। उसके बाद है हमारा प्रतिभाओं का सम्मान, आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। जो हमारे जो वर्तमान दौर में हर समय बेटियों के साथ ना भाई रह सकता है ना पिता रह सकता है, इसलिए हमारी सोच ये है, हमारे फाउंडेशन के साथियों की सोच ये है कि बेटी अपने आप पे डिपेंड हो, बेटी अपने आप इतनी सक्षम हो कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इसलिए हम समय समय पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन हम करते रहते हैं ताकि कॉलेज, स्कूल और या किसी अन्य काम से कहीं जा रही हैं तो किसी गलत विचारधारा के इंसान से उनका मुकाबला हो जाए तो अपनी रक्षा जो है प्रशिक्षण से अगर किया हुआ है तो अपनी रक्षा कर सके। दूसरा है हमारा जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनका सही तरीके से, हमारे जो राष्ट्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो बिजली बचाने की बात है, चाहे वो पानी के मुद्दे की बात है, चाहे हमारा पर्यावरण जैसे पेड़ की बात है, पेड़ लगाने की बात है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम समय समय पर हम अपना जो नौजवानों के लिए हम मोबिलाइजेशन का जो काम है वो करते रहते हैं। ये हमारे 6 मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु आपके संस्थान ने क्या कदम उठाए हैं?
महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा आज के वर्तमान हालात में बहुत ही जो है शोचनीय मुद्दा है, और बहुत ही जो है इसके लिए माता पिता को और समाज में जो प्रबुद्ध विचारधारा के जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कि हम जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर, जो हमारी संस्था का जो ये मुद्दा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाने का, ये महिला सुरक्षा को लेकर के ही हम ये काम करते हैं। और दूसरी बात, महिला और बेटियों के प्रति सोच को बदलना होगा। सोच को बदल करके ही हम उनकी जो है सुरक्षा के मामले में जो है उनको जो है मदद कर पाएंगे। जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तब तक जो है हम अपने आप को कमज़ोरी पाएंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि इंसान की सोच के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। फाउंडेशन ने अब तक क्या कार्य किए हैं? फाउंडेशन ने अब तक हमारे जो 6 मुद्दे हैं उनको लेकर के अनेकों कार्य करने का काम किया है। हमने लगभग 1000 गाँव में बेटी बचाओ जन संदेश यात्रा का सफल आयोजन करने का काम किया है। अनेकों जो है सैकड़ों हमारी प्रतिभावान बेटियों को जो है सम्मानित करने का काम किया है। उनकी जो गरीब बेटियां जो किसी क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं और वो कहीं जो है मदद जो है वो कहीं इनसे नहीं मिल पा रही, उनको आर्थिक तंगी के चलते वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हमारी संस्था ने जितना बन पड़ा है हमने काम उनकी आर्थिक मदद भी करने का काम किया है साथियों के सहयोग से। दूसरा, हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर के नौजवानों को जो है बेटियों के प्रति सोच को बदलने के लिए जो है प्रेरणा देते हैं, अपनी बात रखते हैं, सेमिनार करते हैं। और हमने मलिन बस्तियों में हमने जाकर के स्टेशनरी का सामान गरीब बेटियों को देने का काम किया है, ताकि पढ़ाई करके वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। और दूसरा, जो प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे देश के, इसके लिए इनके लिए जो है हम समय समय पर सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। महिलाओं की दशा और दिशा को कैसे बदला जा सकता है? महिलाओं की जो 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं उनकी जो है दिशा और जो है दशा में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब पहले वाली महिलाएं नहीं रही हैं, पहले वाली जो स्थिति है बेटियों की नहीं रही है। आज जो है हमारे समाज ने भी स्वीकार कर लिया है कि बेटा बेटी में जो है कोई फर्क नहीं है, और जो है समान अवसर भी उपलब्ध करवाने लगे हैं माँ बाप भी, और उनको जो है कुछ जो है परिवार हैं जिनके अंदर आज तक ये परंपरा है कि बेटा बेटी में भेद किया जाए, लेकिन धीरे धीरे समय जो है बदल रहा है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, और बेटियां आए दिन अपनी प्रतिभा के बलबूते नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रही हैं, नया इतिहास रचने का काम कर रही हैं। अभी चाहे वो खेल का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो दूसरा रक्षा क्षेत्र है, हमारी जो बेटियां हैं वो हर रोज़ अपनी प्रतिभा के बलबूते नए आयाम स्थापित करने का काम करती हैं। और मैं समाज की तमाम बेटियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। सर, आप बेटियों को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने फाउंडेशन के साथियों की तरफ से और मैं मेरी तरफ से बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगा, महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी लक्ष्य के प्रति पूरे जुनून से लगें, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए जो है सरकार भी जो है प्रतिबद्ध है उनकी मदद करने के लिए। तो हमारा जो संदेश है वो यही है कि भाई बेटियां और महिलाएं अपने आप को हीन ना समझें, वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। ये हर रोज़ जो है हमारे को देखने में मिलता है, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से है, चाहे वो टीवी चैनलों के माध्यम से है, आए दिन चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, चाहे वो और अपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने की बात है, हमारी बेटियां हर दिन कुछ न कुछ नया जो है रचनात्मक करने का काम कर रही हैं। तो मेरा यही संदेश समाज की महिलाओं और बेटियों को है कि वो जो है हमारे जो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को हीन ना समझें, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें।
ये थे ब्रिटिश देश किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष जितेंद्र वशिष्ठ धिरानिया, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो लड़कों से आगे हैं और बेटियां और महिलाओं को हीन नहीं समझना चाहिए। संसार क्रांति से भिवानी के लिए नीतू शर्मा।